related to chapter congruency. So whoever are online, they may join the class. After 2 to 3 days, we are going to broadcast this live class for solution of your problems. And इससे related videos हम लोगों ने अपने channel पर upload कर रखा है. So I hope कि आप लोगों ने उसे देख रखा होगा, क्योंकि live class attend करने से पहले video एक बार आप जरूर देख लें, ताकि आपको idea हो जाए कि हम किस topic के बारे में discuss करने वाले हैं. Yes, good morning Sataakshi Singh, good morning Sonali Maurya. So ज़्यादा से ज़्यादा share करिए हमारे link को, ताकि आपके बाकी friends भी क्लास अटेंड कर सके, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर पाए यहाँ पर. चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इसके क्वेश्चंस को अगर एक बार आपने इसकी स्ट्रेटजी या लॉजिक सीख लिया, तो आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी टाइप का भी क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड करने में कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी. बट उसके लिए आपको अच्छे से चैप्टर के कंसेप्ट को समझना होगा. हेलो, गुड मॉर्निंग सोनाक्षी गुप्ता, हेलो शिवम कुमार, यस गुड मॉर्निंग अनुराग उपाध्याय. ओके, so actually today I have written the questions on a sheet of paper. Because of the reason, मेरे पास जो NCERT book है उसमें exercise 7 point. okay, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि कभी कभी किसी किसी बुक में कुछ पेजेस मिस हो जाते हैं. ऑलरेडी वो जब प्रिंट होके आता है वहीं से होता है. सो यस अरहम, हेलो. तो आप परेशान नहीं होएगा, आपने किसी भी क्लासमेट या आप किसी भी पर्सन से मैनेज करके बुक, आप उस पेज की या तो फोटो कॉपी करवा सकते हैं या उस पेज के क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है. यस सभी शबी फातिमा जी, गुड मॉर्निंग. ओके, वेरी गुड, यू पीपल आर एक्साइटेड फॉर दिस लाइव क्लास आई थिंक. ओके, चलिए काफी लोग आ गए, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट द वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, सो इन एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल से. मैंने जो अभी प्रीवियस वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में डाला है क्लास 9th की, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल से ही रिलेटेड दो थ्योरम्स मैंने एक्सप्लेन की हैं. एक थ्योरम थी द टू अपोजिट एंगल्स और टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, एंड इसी का आपका कन्वर्स था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो ये दोनों थ्योरम्स हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. ओके, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. ठीक है, ज्वाइन ए टू ओ, शो दैट. ये तो क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर हमें फिगर नहीं दिया गया है. प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस में ज्यादा फील होती है जहां पर हमें फिगर ऑलरेडी देख के नहीं रखा होता है. यस रोमिल सिंह जी, गुड मॉर्निंग. ओके, सो उन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज होती है, कभी कभी हम रॉन्ग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा सोल्यूशन रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगता है. ओके, तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे. वन बाय वन हम करेंगे. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन. अभी यहां पर हम देखेंगे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है. चलिए हम ड्रॉ करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. अब आइसोसेलेस कहा गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं मुझे जरा एक बार कमेंट बॉक्स में, यस गुड मॉर्निंग मोहम्मद आराम, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं प्लीज कि व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं?
यस, गुड मॉर्निंग मोहम्मद आजम जी. टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड. आइसोसेलस ट्रायंगल्स आर दोज हुज टू अपोजिट एंगल्स आर, ओके फौजिया, हुज टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, जस्ट लाइक ए बी विल बिकम इक्वल्स टू ए सी. यहाँ पे ऑलरेडी गिवन भी है विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, सो वी हैव बीन गिवन. देन क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. ठीक है, बाइसेक्टर जो है एंगल ए और सी का, वो एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहा है, ओ पर, कुछ ऐसा. ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर बाइसेक्टर जो एंगल ए का है और जो एंगल ओ का है वो यहाँ पर मीट कर रहा है. देन ज्वाइन ए टू ओ, यहाँ पर कहा गया फिर ए से क्या करिए, ओ को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, आप इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. ओके, वेरी गुड फौजिया. यस स्वप्निल भारती, गुड मॉर्निंग. रोमिल सिंह जी, यस, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड. सोनाक्षी गुप्ता, ओके, सो द फिगर इज सॉर्ट ऑफ दिस. अभी हमें यहाँ पे फिर क्या करना है, अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो है ए ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी प्रूफ करना है. देखिए हमें प्रूफ करना है क्या, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी. ठीक है, ओ दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू दिस लाइन. चलिए पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन. मैंने जैसे बताया है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है गिवन. ओके, जरूरी नहीं कि आपसे कहा जाएगा तभी आप लिखेंगे, ये आपको हैबिट में डालना होगा कि जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे तो आपको गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन, देन आप प्रूफ पर आएंगे. ओके, देन यहाँ पर गिवन हमें क्या है कि ए बी सी इज एन isosceles triangle and with AB is equals to AC. ठीक है, एक बात और कही गई है कि BO और OB हम कह सकते हैं, BOB कह सकते हैं. BO is the bisector of angle B and CO is the bisector of angle C. ओके, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है. सो हाउ कैन वी जस्ट राइट इट डाउन, OB एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली वर्ड लिख देने से ये फायदा होता है, इसका मतलब हो जाता है प्रमाण की सी को. ओके, सो रिस्पेक्टिवली वर्ड का ये मीनिंग यहाँ पर हो जाता है. देन इसके बाद इसका मतलब दिस एंगल विल बिकम इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बिकम इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा. सो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी एंड यहाँ हो जाएगा एंगल ए सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी. ओके, बाय दिस रीजन, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसलिए टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. देन हम अब आगे मूव ऑन करते हैं. हमें प्रूफ करना है क्या, हमें प्रूफ करना है कि या अभी गिवन के बाद टू प्रूव लिखते हैं. टू प्रूव में दो चीजें हैं. द फर्स्ट वन इज ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड द सेकेंड वन इज ए ओ bisects angle A. ओके, सो अब हम आएंगे प्रूफ पर. प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले करना है OB को OC के इक्वल. OB ये है हमारा OB, इसको इसके इक्वल करना है. सो ये बात हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ रखी है कि अगर ये दोनों के अपोजिट जो एंगल्स हैं, इन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल अगर हम प्रूव कर दें तो हम थ्योरम के बेसिस पर इन दोनों साइड्स को भी इक्वल कह सकते हैं. देखिए इस साइड के OC के अपोजिट है ये एंगल एंड OB के अपोजिट है ये एंगल. अगर ये दोनों एंगल्स को हम आपस में इक्वेट कर दें बाई लॉजिकल रीजन, सो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा. सो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है, पहले हम लिखेंगे, देखिए जिस भी ट्रायंगल के रिलेशन की बात हम करने जा रहे होंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस ट्रायंगल का नेम देना होगा. तो करेंगे हम क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्योंकि अब हम एबीसी ट्रायंगल में रिलेशंस की बात करने जा रहे हैं. इन ट्रायंगल एबीसी हमने अभी पढ़ा है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी,
है ना, जस्ट सी हेयर इट इज गिवन. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल बी, या लिख दें ए बी सी, मीन्स दिस होल एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी. रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने यही दो थ्योरम्स पढ़ रखी हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड. ओके, सो ये हो गया. देन इफ विल बी डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय टू, अगर हमने दोनों साइड को क्या कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू. ओके, सो क्या हो जाएगा, ये एंगल ए बी सी बाय टू इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी बाय टू. ओके, और अगर आप देखो, सो हाफ इसका हाफ, यस अनुराग उपाध्याय, इट इज करेक्ट. ओके, दोनों का हाफ अगर हम करेंगे तो ये वाला एंगल हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है. और हम लोग ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है ना, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये बीओ जो है उसका बाइसेक्टर है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, हाफ ऑफ दिस होल एंगल विल बी दिस वन और दिस वन ऑल्सो. अगर हमें इसकी जरूरत होती तो हम ये लिखते, बट हमें इसकी जरूरत है इनर एंगल की ट्रायंगल ओ बी सी में, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी. ओके, इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी. ओके, देन ये हो गया. हमने यही कहा था कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो हमारी ये दोनों साइड्स भी इक्वल प्रूव हो जाएंगी बाय द प्रॉपर्टी. सो इट इज इम्प्लाइज दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, एंड हमें रीजन यहां लिखना मस्ट है दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. ओके, now this you can see that we have proved whatever was asked to us in the question. okay, so I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा. अभी ये हमने first part प्रूव किया है, अभी second part भी देखना है. second part में क्या है, जो AO है, AO क्या कर रहा है, bisect कर रहा है angle O को. ठीक है, AO this is bisecting angle, इस part में प्रूव करना है कि ये angle है इसके equal है. तो देखिए दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं. अगर इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम दोनों इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तभी दोनों ही ट्रायंगल्स के ये दोनों एंगल क्या हो पाएंगे, इक्वल. क्योंकि हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी दो ट्रायंगल्स को रिलेट करके इक्वलिटी का या कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन शो करना सीखा है, वो कॉन्ग्रुएंसी के ही थ्रू हो सकता है. ठीक है, अगर किसी दो डिफरेंट ट्रायंगल के डिफरेंट पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हमें सबसे पहले उन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा विद द लॉजिकल फाइव क्राइटेरियाज. फाइव क्राइटेरियाज मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोज में बता रखे हैं. ओके, तो चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, उसके लिए मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि रीजन तो बिल्कुल ओपनली आपको विजिबल है. सो इट्स द सेकेंड पार्ट. इसमें हम पहले दो ट्रायंगल्स लेंगे, नेम होगा उनका इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी. ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने लिया, यहां पर ए बी जो है वो ऑलरेडी गिवन था हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी. आप लोग फिगर को रफ कॉपी में ड्रॉ कर लिया करिए, ताकि जब भी हम इस तरीके से विदाउट फिगर आपको बताएं तो आप अपने फिगर में देख सकें कि कहां पर ए बी है और कहां पर ए सी है. ओके, ये हमको ऑलरेडी गिवन था. देन ए ओ जो है वो कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में, here it will be written as common. then after this there is OB is equals to OC, जिसको अभी अभी हमने प्रूव किया है. इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, just proved. इसके लिए हम रीजन देंगे just proved. okay, then ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में, OAB has become congruent to triangle OAC. for by which property, side 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 by side 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 property.
ओके देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें तो एंगल ए का बाइसेक्टर बताना था कि ए ओ जो है उसको बाइसेक कर रहा है। सो इस बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इस दोनों की कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पर, सो इट इज इम्प्लाइज दैट यस सोनाली हियर एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी इज वर्किंग। क्या हो जाएगा, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। तो बाई दिस सो वी कैन से, ये क्यों हो गया, ये दोनों ही एंगल क्यों हो गया, मुझे जरा बताइए आप कमेंट बॉक्स में। यस अनुराग उपाध्याय बाई सी पी सी टी, वेरी गुड। वी कैन से ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ओके सो दिस वॉज द कम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। ओके यस यस बाई सी पी सी टी। अब मुझे एक बार जरा सी पी सी टी का फुल फॉर्म भी बता दीजिए आप। ओके एक बार मुझे सीपीसीटी का प्लीज फुल फॉर्म भी बता दीजिए। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इसको खुद से कर लेंगे। Corresponding part of congruent triangles. Yes, very good Shivam Kumar, very good Sataakshi, very good Sonali. Yes, very good CPCT. Yes, Fauzia. Okay. Now just see question number 2. In triangle ABC, AD is perpendicular bisector. बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा इस पार्ट को। देखिए जो AD है, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर भी है, इट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और बाइसेक्टर भी है। यस शबी फातिमा जी इट इज द राइट आंसर, रोमिल जी इट इज द राइट आंसर। याद कि ये बाइसेक्टर भी है, मीन्स बी डी इज इक्वल टू सी डी। ओके सो ये यहाँ से इतने स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, शो करना है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, हमसे कहा गया है कि हमें ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव करना है, मीन्स इस पार्ट को, इस साइड को हमें इक्वल प्रूव करना है इस साइड के। ओके सो दोनों ही किस टाइप के ट्रायंगल्स है, यस फौजिया इट इज राइट। हम प्रूव कर सकते हैं ये दोनों ही साइड्स जो है दो डिफरेंट ट्रायंगल के पार्ट है। अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि जब दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के बीच में कुछ भी इक्वलिटी का रिलेशन शो करना होगा तो वो जो एक रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं उनकी कॉन्ग्रुएंसी का, अगर हम दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम बहुत सीपीसीडी से इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल बता सकते हैं। तो देखिए अब हमें इन ट्रायंगल्स को क्या करना है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप अगर ध्यान दीजिए, ये साइड इसके इक्वल है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये साइड हमारा कॉमन है। ओके दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस साइड इज कॉमन एंड एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा शायद लिखेंगे कि एंगल डी इज इक्वल टू डी डी, कितने लोग ऐसा लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू डी, जितने लोग ऐसा लिखेंगे वो समझ लें कि इट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि एंगल डी यहाँ पर सिंगल एंगल है ही नहीं, इट हैज बीन डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। तो आपको लिखना होगा कि एंगल बी डी ए या फिर एंगल ए डी बी। आप इसको लिख सकते हो एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। ओके डोंट राइट एवर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ये कॉमन है इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, नो नो इट इज रॉन्ग। ये आपको इस तरीके से लिखना होगा ईच 90। सो हियर नो सोनाली आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी विल नॉट वर्क बेटा, क्योंकि आप देखिए इसके सामने हाइपोटेनस जो है वही तो आपको इक्वल प्रूव करना है, तो आपका हाइपोटेनस जरूर इक्वल होना चाहिए। हाँ आपके पास बेस या ऑल्टीट्यूड में से एक साइड तो इक्वल है, दोनों ही इवन इक्वल है, बट हाइपोटेनस नहीं इक्वल है, इसलिए आर एच एस प्रॉपर्टी यहाँ नहीं वर्क करेगी। ओके सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वर्क करेगी वो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ओके देन आप सीपीसीटी से इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं एंड उस बिहाफ पर हम कह सकते हैं दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलस ट्रायंगल, सॉरी इज हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ओके सो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल एंड इट इज क्वाइट द सिंपल वन, तो आप खुद से भी करेंगे तभी आपको। और हाँ राइटिंग पैटर्न स्टेप्स जो होंगे वो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता रखा है उसी प्रोसीजर से करिएगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमारे वीडियोज को जरूर देखिए। देन नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड का मतलब कि वो जिस साइड पर लाई करेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऑल्टीट्यूड इस बात को कंफर्म कर देता है। ठीक है बीई एंड सी एफ, देखिए बीई और जो सी एफ है दोनों ऑल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आर ड्रॉन
टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं किस पर बनाए गए हैं, जो दो इक्वल साइड हैं। दो इक्वल साइड कौन कौन से हैं, ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी दोनों ही इक्वल साइड्स हैं और इन पर दो ऑल्टीट्यूड्स बने हैं जिनका नाम है बीई एंड सी एफ। तो हमें क्या शो करना है, दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल हैं। अब इन्हें इक्वल प्रूव करने में डिफिकल्टी नहीं है, अब हमें फिगर समझने में डिफिकल्टी थोड़ी सी आपको फील हो सकती है। तो डिफिकल्टी फील क्या होगी, ये भी बात है, फील ये होगी कि दोनों ही फिगर्स थोड़े से एक दूसरे में काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप दोनों ही फिगर को उसी तरीके से उसी पोजीशन में अलग अलग बना लीजिए। वो कैसे, हम अभी देखते हैं। ओके, नाउ जस्ट सी, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें जो दो ट्रायंगल्स को दो ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल करना है वो इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ए बी ई एंड ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। ओके, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखिए आप, ये कुछ ऐसा है, एक ट्रायंगल हमारा है ऐसा, एक हमारा जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, एंड जो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा है। जब इस तरीके के पीस ऑफ पेपर को आप एक दूसरे पर ऐसे ओवरलैप करवाएंगे, इस साइड को इसके एंड इस साइड को इसके, सो वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, इसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है। देन ये आपका वर्टेक्स ए है, यहां पर ये ई है और यहां पर ये बी है, यहां पर ये ए है, यहां पर ये एफ है और यहां पर ये सी है। आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दिया है कि ये यहां पर 90 डिग्री और ये यहां पर 90 डिग्री है, दोनों ये ट्रायंगल पूरा आइसोसेलेस है, इसका मतलब जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल आपका एसी के, ए बी जो इक्वल है वो एसी के है। अब आप यहां पर अगर ध्यान दें तो यहां पर कॉमन एक चीज है, वो क्या है, देखिए दोनों में ही वर्टेक्स ए कॉमन आ रहा है, यहां भी वर्टेक्स ए है और यहां भी वर्टेक्स ए है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे दोनों ही ट्रायंगल्स को प्रूव, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम नेम लेते हैं इन दोनों ही ट्रायंगल्स का, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ए ई बी, ओके, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है। हमने इन दोनों ही ट्रायंगल में लिया, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस का ध्यान रखेंगे, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल ए है, वर्टेक्स ए है एंड वर्टेक्स बी ई के करस्पॉन्डिंग एफ है एंड बी के करस्पॉन्डिंग सी है, ठीक है। देन इसके बाद हमें यहां पर क्या दिया गया है, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, फॉर व्हाट रीजन, ईच 90, दोनों ही एंगल्स क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। देन एंगल ए इज कॉमन टू एंगल ए। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि यहां तो मैम ने एंगल ए को एंगल ए के कॉमन लिख दिया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में वो बोल रही थी कि एंगल ए को एंगल ए के कॉमन नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते बेटा क्योंकि वहां पर जो एंगल डी था वो टू पार्ट में था और यहां पर ये सेम है, एज इट इज है, एंगल ए में कोई भी बाइफर्केशन नहीं हुआ है, कोई भी बाइसेक्टिंग नहीं हुई है, इट इज सेम एज एंगल ए। सो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, वाई, बिकॉज इट इज कॉमन, ओके, क्योंकि ये कॉमन है। देन एक और बात इक्वल है, क्या ए बी इक्वल है ए सी के, अब मुझे फटाफट कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया वर्क कर रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, वाई गिवेन, ये क्वेश्चन में हमें गिवेन है। अभी देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम गिवन लिखना भूल गए हैं, गिवन और टू प्रूव, बट इसको आप जब फेयर में सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसको जरूर लिखेंगे, ओके। सो इट इज इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी,
बाय विच रीजन, एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड इक्वल होता है तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगती है. यस वेरी गुड सोनाली मौर्य, शबी फातिमा जी, अनुराग उपाध्याय, स्वप्निल, शिप्रा, सताक्षी एंड आकांक्षा, वेरी गुड. एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टीज वर्किंग हियर. ओके देन इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, इट इज इम्प्लाइज दैट हमें बीई को प्रूव करना था इक्वल सी एफ के. बी इज इक्वल टू सी एफ बाय व्हाट रीजन, बाय सी पी सी टी. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने गिवन और टू प्रूव नहीं लिखा है, आप इसको लिख लेंगे. ओके सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. ओके अनम, ओके नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री. इसका फोर और थ्री का सोल्यूशन बहुत सेम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर को आप अच्छे से समझ लीजिए. एबीसी एक ट्रायंगल है जहां पर बीई एंड सी एफ एल्टीट्यूड है जो कि साइड ए सी और ए बी पर लाई कर रहे हैं एंड दोनों ही इक्वल है. यहां पर ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल है. इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री में ए बी और ए सी इक्वल थे यहां, और आपको प्रूव करना था सीई एंड बीई को इक्वल. इस क्वेश्चन में आपको सीई एंड बीई एंड सी एफ इक्वल दिया गया है, यहां पर बीई और सी एफ इक्वल दिया गया है. हमें क्या प्रूव करना है, उसी का उल्टा यहां पर प्रूव करना है, ए बी को ए सी के इक्वल. उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें. ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो यहां पर हमको डायरेक्टली नहीं दिया गया था बट हमने वर्क वही किया था जो यहां करना है. ओके सो आई होप कि आप लोग सेम उन्हीं स्टेप्स का यूज करके इसको इक्वल प्रूव कर लेंगे. यहां भी सेम वो प्रॉपर्टी वर्क करेगी. देखिए मैं एक बार आपको इनडायरेक्टली बता देती हूँ, जब आप यहाँ दोनों ही ट्रायंगल्स में लेंगे, यहाँ पर ये साइड इक्वल नहीं है. इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर की, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ईच 90 एंगल इसके इक्वल, और यहाँ पर ये बीई जो है वो सी एफ के इक्वल है. सो यहाँ पर भी एंगल एंगल साइड, यस ये एंगल जस्ट शोड इन. यस सोनाली, द सेम सोल्यूशन विल बी देयर इन क्वेश्चन नंबर फोर एज ऑफ थ्री. ओके सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे. देन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल. ठीक है, एबीसी और डीबीसी जो है वो दो आइसोसेलस ट्रायंगल है. आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब वन साइड विल बी इक्वल टू अदर साइड, मीन्स एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बिकम इक्वल टू ईच अदर. ओके सो यहां पर ए बी इक्वल है ए सी के एंड ऑन द सेम बेस, दोनों ही सेम बेस पर है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी डी, ए बी डी इस एंगल को हमें प्रूव करना है, इस एंगल को, इस होल एंगल को इस होल एंगल के इक्वल. सो यहां पर हमें एक बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज दैट कि अगर हम ए को डी से ज्वाइन कर दें, अगर हम क्या करें ए को डी से ज्वाइन कर दें तो देखिए ये दोनों ही ट्रायंगल्स बन गए, दो ट्रायंगल हो गए. अब हमारा जो पर्पस होगा वो ट्रायंगल ए बी डी को, अब हमारा पर्पस होगा ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, किसके, ए सी डी के. अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हम बाई सी पी सी डी से एंगल बी को एंगल सी के इक्वल बता पाएंगे, इक्वल है एंड दिस साइड इज कॉमन. सो बाई एस 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 प्रॉपर्टी बोथ द ट्रायंगल्स हैव बिकम कॉन्ग्रुएंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट सी पी सी डी एंगल बी विल बिकम इक्वल टू एंगल सी. ओके बात समझ आ गई, हो जाएगा ना क्वेश्चन. सो आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन इट टोटली एंड आपको सारा मैंने कॉन्ग्रुएंसी का रूल भी बता दिया गया, केवल आपको बस सोल्यूशन करना है, एग्जीक्यूट करना है. ओके नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स. इट इज क्वाइट डिफरेंट वन, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है. ओके एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. देखिए एबीसी, ये जो आपका ट्रायंगल एबीसी है किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है, और इसमें जो दो साइड्स इक्वल है वो है ए बी और ए सी. देन साइड बी ए, जो ये साइड बी है इसको बढ़ाकर डी तक ले गए हैं हम, इट इज प्रोड्यूस टू डी. देन सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी. अब ये जो लाइन है ए डी, ये ए बी इक्वल है, यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. सो लेट अस सी हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ पर, बहुत सिंपल है इसका भी सॉल्यूशन, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए पहले तो फिगर आपका यहाँ पर ड्रॉन है ऑलरेडी, हम बट आप कॉपी में जहां भी सॉल्यूशन करेंगे वहां पे इस फिगर को आप फिर से ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ऑन बुक इट इज ऑलवेज ड्रॉन, बट हमें कॉपी पर भी ड्रॉ करना होता है सॉल्यूशन करने के टाइम पे। ओके चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी को देखिए। ट्रायंगल एबीसी में देखा हमने, इन ट्रायंगल एबीसी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है कि जिस भी ट्रायंगल के रिलेशन को हम शो करने जा रहे होंगे उसका नेम जरूर लिखेंगे। तो हम इन ट्रायंगल एबीसी देखते हैं, एबी जो है वो क्या है, एबी इक्वल है एसी के, इट इज गिवन। ओके सॉरी फिर से मैं भूल गई, गिवन और टू प्रूव लिखना। ओके चलिए हम पहले एक बार गिवन लिख लेते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, बिकॉज गिवन एंड टू प्रूव लिखने से आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाता है। गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और क्या है ए डी इज इक्वल टू ए बी ऑल्सो, ये ए डी जो है ये भी ए बी के इक्वल है, और क्या चीज गिवन है, हाँ इतनी चीजें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें इस बात को प्रूव करना है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, सो प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन ऑलरेडी, सो ए बी और ए सी इक्वल है, इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे, इसके अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो व्हाट वी विल बी राइटिंग हियर इज इम्प्लाइज दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ओके एंड विद विच रीजन, रीजन इज दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यहां पर रीजन देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ओके इस रीजन से हम दोनों को ही क्या करेंगे, दोनों ही एंगल्स को इक्वल कर देंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल में लेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा होगा, इन ट्रायंगल ए सी डी, अभी तक हम लोगों ने इस ट्रायंगल की बात की, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ए सी डी, यहां पर भी देखिए एडी इक्वल है किसके, एडी क्योंकि इक्वल है एबी के, सो हम इस बेसिस पर कह सकते हैं एडी एसी के इक्वल हो जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे सिंस एडी इज इक्वल्स टू एबी एंड एबी इज इक्वल्स टू एसी, सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस, ऑन बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से एसी इज इक्वल्स टू एडी। ओके एसी कहां है, AC is equals to AD. अब इसके भी अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, मीन्स कि दिस एंगल विल बिकम इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू ईच अदर, सो लेट अस राइट इट डाउन, इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD। ओके सेम रीजन एज अबव, सेम रीजन एज अबव यहां भी हो जाएगा। ओके देन अभी ये समझ लीजिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, पूरे ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल आपको प्रूव करना है, सो ये चीज हमको तभी आ सकती है जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो हम लोग इन ट्रायंगल बी सी डी, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल बी सी डी के बारे में, सो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। ओके ट्रायंगल BCD में क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है BCD, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री, आप यहाँ पे रीजन देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए जो एबीसी है वो एबीसी किसके इक्वल है, एसीबी के, एंड ए जो आपका नेक्स्ट है बीसीडी, सॉरी बीडीसी जो है, बीडीसी जो इक्वल है
उसको हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा ए है, ए डी सी और बी डी सी दोनों ही सेम है, ए डी सी एंड बी डी सी दोनों ही सेम है। सो इसके प्लेस पर हम लोग इस एंगल को लिख सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और क्योंकि हमारा जो फिगर है, ये जो एंगल है एंगल बी सी डी, ये एंगल टू पार्ट्स में है, ये एंगल टू पार्ट्स में है, सो इसको हम इन दोनों के ही सम के इक्वल, सम के फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर क्या होगा, एंगल इसके प्लेस पर क्या आएगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इस एंगल सी को कंप्लीट बनाना है ना, दैट्स वाई वी आर रिमूविंग ऑल द अदर एंगल्स। तो एंगल ए सी बी प्लस बी सी डी टू पार्ट्स में है, दिस प्लस दिस, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ए डी सी बोले या बी डी सी बोले, बात वही है, क्योंकि एंगल यही है, बस यहाँ वर्टेक्स का डिफरेंस अब देखिए दोनों ही एंगल्स टू टू टाइम्स हैं, सो ये क्या हो जाएगा, टू ऑफ एंगल ए सी बी प्लस टू ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, देन टू इज कॉमन, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड देन बचा आपके पास एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई टू विच मीन्स 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ए सी डी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, बी सी डी, सो इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड यही आपको प्रूव करना था। ओके, यही बात हमें प्रूव करनी थी क्वेश्चन में, दैट दैट बी सी डी इज अ राइट एंगल, और ये हमने प्रूव कर लिया। देखिए बहुत सिंपली हमने इसका सोल्यूशन किया है, देयर वॉज नथिंग टफ इन दैट। हमने सबसे पहले किया क्या, हमने पहले इस ट्रायंगल को लिया जहां पर हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल ऑलरेडी गिवन था, उस बेसिस पर हमने इसके अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। देन हमने दूसरा ट्रायंगल लिया, यहां पर भी को रिलेट करके दोनों ही साइड्स को इक्वल कर दिया, देन उसी बेसिस पर ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। देन हमने ओवरऑल बिगर ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल्स एंड प्रॉपर्टी को यूज किया, उसके बाद क्योंकि हमें एंगल सी केवल चाहिए था तो हमने इस वाले एंगल को इसके से रिप्लेस कर दिया, इस वाले एंगल को इससे रिप्लेस कर दिया, और इस एंगल को इसके सम के फॉर्म में लिख दिया, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट दिस एंगल एज 90 डिग्री। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी था बट द क्वेश्चन वॉज नॉट टफ। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड विच एंगल इज 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, फाइंड एंगल ए बी सी। पढ़ने में तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट इसका सोल्यूशन उतना ही ईजी है। वो कैसे है, हम देख सकते हैं कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके सॉरी, चलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है ए, ओके अब देखिए बहुत ध्यान से हमें इसका नेमिंग करनी पड़ेगी। ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच ए जो है वो 90 डिग्री है, तो हमें वर्टेक्स ए इसको देना पड़ेगा 90 डिग्री ए, तो ये बी हो गया एंड इसको कर देते हैं हम सी। ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहां पर जो ए बी है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अब हमें एंगल बी और सी फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग द गिवन, हम बस थोड़ा सा हिंट देंगे इसके लिए, गिवन में लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमें क्या करना है, टू फाइंड भी लिख सकते हैं, टू फाइंड हमें फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, देन इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसके लिए इन ट्रायंगल ए बी सी सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, सो इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसके पीछे रीजन वही होगा जो आपको बहुत अच्छे से पता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, आपको यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी होगा। ओके, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड का रीजन देकर आप इसको यहाँ पर लिख देंगे।
यहाँ पर आप रीजन मेंशन कर देंगे, रीजन आपको अच्छे से पता है। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, जब दोनों ही साइड इक्वल हो गए, अब हम ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, रीजन बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल का यूज करके करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री गिवन है एंड एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो आप यहाँ पर किसी भी एक एंगल को लिख दीजिए। चलिए हम एंगल बी को लिखा रहने देते हैं, एंगल सी को हम बी के फॉर्म में लिख सकते हैं 180 डिग्री। सो टू एंगल बी हो गया एंड यहाँ से 180 माइनस 90, सो यू गॉट एंगल बी इज इक्वल टू, यस रीनू जायसवाल जी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी विल बी 90 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया, एंगल बी हो गया 90/2 विच मीन्स 45 डिग्री। सो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, सो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यस सोनाली मौर्य, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको सही से लॉजिक्स को यूटिलाइज करना है। ओके चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो हमें प्रूव करना है कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं 60 डिग्री। द सम ऑफ ऑल सॉरी ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज फटाफट बता दीजिए कि व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। I'm waiting for your responses. What is an equilateral triangle? Yes, in which all the sides are equal. Very good, Anam. Very good, Anurag. Very good, Sonali. Yes, Sonakshi. All the sides are equal. Very good. ठीक है? Equi means equal. Lateral means side. Okay, lateral means length or side. So, yes, Romil, whose sides are, all sides are equal. So, equilateral triangle, वो triangle होते हैं जिनके सारे sides क्या होंगे आपस में equal होंगे, और हमें prove करना है कि इसके सारे angles क्या हैं, सारे angles हैं 60 degree. तो अगर हमने कहा PQR कोई equilateral triangle है जिसमें सारे sides आपस में equal हैं, तो यहाँ पर हमें क्या, पहले तो given लिखेंगे, given में हम लिखेंगे yes, Romil, करेक्ट आंसर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवेन है। सो अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन अब हम प्रूव करते हैं इसको। फॉर द केस ऑफ प्रूव हम लोग पहले किसी भी दो साइड को लिखेंगे, सिंस इन दोनों साइड को लेते हैं। ओके पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, पी, यस यस फौजिया वेरी गुड ना, पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल। ठीक, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे इक्वल, सो इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। फॉर व्हाट रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, रीजन विल बी दिस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, सिंस अब देखिए जो पी आर है ये भी क्यू आर के इक्वल होगा, सिंस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर ऑल्सो, सो इट इज इम्प्लाइज दैट, अब देखिए जो ये साइड है ये भी इसके इक्वल होगा, तो इसके अपोजिट कौन सा, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये है, मींस एंगल जो पी है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, सो इट इज इम्प्लाइज दैट एंगल पी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल क्यू, द सेम रीजन विल बी देयर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। सो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई, दोनों ही इक्वेशन से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, सारे ही एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ओके देन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो उसके बेसिस पे इन ट्रायंगल
पी क्यू आर इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो इस बेसिस पर हमने इन सारे एंगल्स को आपस में इक्वल भी प्रूव किया है, सो सबको पी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एंगल पी प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इट मींस एंगल पी 3 angle P will become also equals to 180 degree, which means angle P is equals to 180 degree by 3 means 60 degree. So as you have proved that all the angles are equal, so is basis पर हम लोग कह सकते हैं angle Q is equals to angle R is equals to 60 degree. Hence it is proved. Okay, so this was the last question of the NCERT book and I hope कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है इन्हीं सारे टाइप्स के बेसिस पे उनमें भी क्वेश्चन होंगे, सो आपके पास जो भी अवेलेबल बुक है सोर्स ऑफ क्वेश्चन है उनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा एंड वेयर एवर यू फील प्रॉब्लम यू मे फ्लुएंटली और फ्रिक्वेंटली आस्क टू अस ऑन द चैनल्स कॉमेंट बॉक्स। आप किसी भी वीडियो के या जिस रिस्पेक्टिव वीडियो की प्रॉब्लम रहा करे आप उस वीडियो में हमें कमेंट कर दिया करिए, और अगर आपकी किसी लाइव क्लास की प्रॉब्लम है तो उसको भी आप हमें बाद में भी कमेंट बॉक्स में करेंगे तब भी वो हमें शो करेगा और हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएंगे। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्पेशली कॉन्ग्रुएंसी नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 5 to 10 टाइम्स, 5 फिर भी बहुत लेस हो गया, 7 to 10 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। मतलब इतनी बार एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब आपको एग्जाम में आए तो आपको एकदम वर्ड टू वर्ड पूरा सॉल्यूशन लर्न हो जाए। मैं लर्न करने को नहीं कह रही हूँ, मैं इतना प्रैक्टिस करने को कह रही हूँ कि वो आपको बिल्कुल आपके टंग पे आ जाए। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर आल्सो। ओके, सो अप टू द टाइम कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।